दोस्तों, मायसेल्फ सुमी, एमएस वर्ड के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है हेडर एंड फुटर। एमएस वर्ड में हेडर फुटर पेज नंबर का उपयोग हम क्यों और किस लिए करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम इन डिटेल्स में सीखेंगे। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हेडर फुटर पेज नंबर क्या है समझ में आ जाएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एमएस वर्ड ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे एमएस वर्ड का विंडो खुल चुका है। उसके बाद रेंडमली मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लाना चाहूंगी रेंड फंक्शन के माध्यम से। तो यहाँ पे मैं रेंड फंक्शन यूज करूंगी इज इक्वल रेंड ब्रैकेट एंटर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे रेंडमली कुछ टेक्स्ट आ चुका है। उसके बाद सबसे पहले हम जाएंगे इंसर्ट टैब या मेनू पे, और यहाँ पे जो हेडर एंड फुटर ग्रुप शो कर रहा है, यहाँ पे तीन ऑप्शन दिया हुआ है, हेडर, फुटर एंड पेज नंबर। हेडर का मतलब है सिंपली, हेडर इज ए चैप्टर टाइटल व्हिच इज ऑफन प्रिंटेड एट द टॉप ऑफ एवरी पेज। हेडर का मतलब है कि कोई भी चैप्टर का या कोई भी बुक्स का टाइटल है जो हम पेज इंसर्ट करेंगे तो वो टेक्स्ट या जो सेंटेंस हमने हेडर पे दिया है वो रिपीटली हमको शो करेगा। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हेडर का यूज कैसे करते हैं। हमने पहले हेडर पे क्लिक कर दिया, करने के बाद यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ डिजाइन यहाँ पे शो कर रहा है। जो आप लोगों को अच्छा लगे यहाँ से वो थीम या डिजाइन को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया ब्लैंक हेडर, ये यहाँ पे जो टेक्स्ट शो कर रहा है उसके आगे डैशेस करके एक लाइन आ गया। तो ये जो पेज मार्जिन्स का जगह है या जो पर्सन है, ये हेडर के लिए होता है जिसपे हम टाइटल ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया अल्टिमा करियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो हेडर जब हमने ऐड किया तो यहाँ पे ऊपर आप सभी देख सकते हो कि हेडर एंड फुटर टूल्स के एक एक्स्ट्रा टैब या मेनू यहाँ पे शो कर रहा है जिसका नाम है डिजाइन। यहाँ से भी हम हेडर फुटर पेज नंबर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो हम इंसर्ट टैब से जाके यहाँ पे जो हेडर एंड फुटर का ग्रुप्स है यहाँ से भी हम ये तीनों का यूज कर सकते हैं। तो ये जो डिजाइन है ये हेडर एंड फुटर टूल्स के लिए बस दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया अल्टिमा करियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उसके बाद इसको हम थोड़ा इसका जो साइज है इंक्रीज फॉन्ट साइज करेंगे। इंक्रीज फॉन्ट साइज का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एंगल ब्रैकेट। तो यहाँ पे हमने साइज को थोड़ा बड़ा कर दिया। उसके बाद ये यहाँ पे जो टेक्स्ट दिया हुआ है उसको हम बोल्ड करेंगे। उसके बाद इसका जो फॉन्ट कलर है उसको भी हम चेंज कर लेंगे। फॉन्ट कलर में जाके सपोज हमने पर्पल कलर यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पे हमारा जो हेडर है या जो टाइटल है ऐड हो चुका है। तो इसका काम क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आप सभी देख सकते हो एक पेजेस यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे कि ब्लैंक पेज का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर करने से आप सभी देख सकते हो यहाँ पे और एक पेज आ गया, लेकिन जो हेडर हमने सिर्फ पहले वाले पेज पे दिया था वो दूसरा पेज पे भी आ गया और तीसरा पेज पे भी आ गया। जैसे हम यहाँ पे बहुत सारा पेजेस इंसर्ट करेंगे ठीक वैसे ही हेडर भी यहाँ पे रिपीटली हमको शो करेगा। जैसे कि मैंने और दो पेजेस यहाँ पे इंसर्ट कर दिया कंट्रोल एंटर करके। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हो 5 पेजेस आ चुका है, लेकिन जो इसका हेडर है, जो हमने हेडर लगाया था वो रिपीटली सारी पेजों पे आ गए। उसके बाद कोई भी पेजेस पे फुटर लगाना चाहते हैं तो फुटर क्या होता है, हेडर से सिमिलर होता है, बस दोनों का डिफरेंट यही होता है, हेडर हमेशा टॉप पे शो करेगा और फुटर हमेशा बॉटम पे शो करेगा। तो हम यहाँ पे फुटर लगा के देखते हैं। फुटर पे क्लिक कर दिया तो हेडर के जैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ
थीम्स यहाँ पे शो कर रहा है, तो आप लोगों के हिसाब से कोई भी यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया ये कलरिंग वाला जो शेप्स यहाँ पे शो कर रहा है, तो इस पे मैं कुछ सपोज लास्ट पेजेस में मैंने यहाँ पे कुछ ऐड कर दिया, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ था डॉक्यूमेंट टाइटल बोल के दिया हुआ था, तो मैंने डॉक्यूमेंट टाइटल दे दिया सपोज हेडर एंड फुटर। उसके बाद यूजर वन, ये ऑथर का नाम होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना नाम दे दिया सुमी देवरी। ये हो गया हमारा फुटर। यहाँ पे जो विंडो यहाँ पे शो कर रहा है, ये पेजेस में हम नंबर देना चाहते हैं तो उसको हम कैसे देंगे, पेज नंबर से। तो सिंपली हम कहाँ जाएंगे, इंसर्ट टैब पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हेडर एंड फुटर में जो थर्ड वाला ऑप्शन पेज नंबर है यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आए हुए हैं, तो यहाँ पे हम पेज नंबर कोई भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है टॉप ऑफ पेज, मीन्स हमको अगर टॉप पे चाहिए पेज नंबर तो हम टॉप पे दे सकते हैं, बॉटम पे चाहिए तो बॉटम पे दे सकते हैं, जहाँ भी चाहिए हम पेज नंबर को दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया बॉटम पेज पे पेज नंबर 1, 2, उसके बाद देख सकते हैं 3, 4 और 5, मीन्स टोटल यहाँ पे कितना पेजेस है, 5 पेजेस यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऐसे हम हेडर फुटर एंड पेज नंबर का यूज कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव एन ग्रेट एंड फैंटास्टिक डे।